स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू सीमा की स्मार्ट दुनिया। तो आज है तुलसी विवाह, हम हर साल उसका सेलिब्रेशन करते हैं, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं अपने ब्लॉग में वो सारा सेलिब्रेशन जो हम जो भी कुछ करते हो वो सब आपको दिखाएंगे। तो पहले तो हम खाना बनाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ कि खाना में क्या बनाऊँ। तो मैंने सोचा है कि जैसे शादी में खाना होता है वही मैं आज बनाऊँगी, आलू पूरी, छोले और जीरा राइस। और मीठा में कुछ बनाने की सोच रही हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। पर वो लास्ट में बनाना है तो उस बाद में सोचेगी क्या बना सकते। तो अभी तो पहले खाना बनाते। तो इन सब रेसिपीज़ की मैं वीडियो नहीं बना रही क्योंकि मुझे बाकी सारे भी काम करने हैं, तो इसलिए मैं इस रेसिपी को फास्ट में शूट करूँगी। अगर आपको लगता है कि मुझे इस रेसिपी को आपको बताना चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए, तो मैं उन सारी रेसिपीज़ को आपको ज़रूर दिखाऊँगी। आलू की सब्जी, ये है छोले, कलर कितना अच्छा है ना छोले का, ये है हमारे जीरा राइस, ये रही पूरियां। तो अब हम सेलिब्रेशन के लिए सारी तैयारियां कर रहे हैं। तो यहाँ पे रियांश के डैडी और रियांश दोनों मिलके सेलिब्रेशन की सारी तैयारियां कर रहे हैं। रियांश क्या कर रही हो? हाँ, हम यहाँ पे नहीं थे तो लाइट्स भी हमें लगानी है, आपको पता ही होगा हम गांव थे दिवाली में, तो यहाँ पे हम लाइट्स भी लगाएंगे। अब रियांश तुम क्या पूछ रहे हो? मैंने साफ कर लिया है, तुम साफ कर रहे हो फिर से? तो लाइट्स दे रहा है, लाइट्स लगाने के लिए रियांश भी फुल हेल्प कर रहा है सब कुछ करने में। तो मैं अभी आपको एक लुक बताती हूँ सेलिब्रेशन मतलब डेकोरेशन करने से पहले वाला, आप भी बताना आपको कैसा लग रहा है। रियांश क्या कर रहे हो? तो 50% हमारा डेकोरेशन है और रेडी हो चुका है। ये लाइटिंग इधर का है ना? हाँ। रियांश डोंट, रियांश क्या कर रहे हो? साइड हो जाओ रियांश, साइड हो जाओ। यस गो सिट देयर। हाँ वेरी गुड, हाँ गुड बॉय रियांश। इज अ गुड बॉय। बगाता पर अभी आधा डेकोरेशन का काम हो चुका है, तो पहले मैं रंगोली निकाल रही हूँ। रंगोली निकालना मेरा फेवरेट चीज़ है। Thank you.
रियांश चुका है हमारा फाइनल डेकोरेशन रेडी। तो आपको नॉइस भी सुनाई दे रही होगी, तो सब जगह तुलसी विवाह किया जा रहा है। हमारा डेकोरेशन रेडी हो चुका है, मेरा खाना भी रेडी हो चुका है। तो अब मैं रेडी हो जाती हूँ और रियांश को भी रेडी कर देती हूँ। तो ये है हमारा तुलसी विवाह स्पेशल लुक, रेड रेड, क्योंकि शादी में बहुत से लोगों के रेड ही ज़्यादा लुक होते हैं, तो इसलिए ये हमारा रेड लुक है। रियांश तो चलिए अब हम शादी की रस्में स्टार्ट करते हैं। रियांश को देखो कितना हैप्पी है वो। रियांश कहाँ जाऊँ, वहाँ पे जाना है, चलो चलो चलते। तो अब हम शादी के रस्म में स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक बुक लाया है, तो इस बुक में जिस तरह से लिखा गया है उस तरह से हम सब कर रहे हैं। तो पहले तो हम श्री कृष्ण भगवान जी को यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि श्री कृष्ण भगवान और तुलसी जी की शादी हुई थी, इसलिए हम उनकी शादी करवाएंगे। तो पहले तो हम हल्दी कुमकुम लगाएंगे तुलसी जी को, उसके बाद ये सब चीज़ें उनको पहनाएंगे। यह कंगन, अब हम ये मंगलसूत्र पहनाएंगे, रियांश चला पड़ा के, रियांश पड़ा के रियांश शुरू कर दीजिए। शुभमंगल सावधान स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं भुवनेश्वरं स्विद्युदं बल्लालो मुरुंडविनायकमहं चित्तामणि देवरं लेन्यांद्री गिरिजात्मक सुरवरद विघ्नेश्वर ओजरं ग्रामे रंजन संकित गणपति कुर्यात् सदा मंगल शुभमंगल सावधान गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी चयु महेंद्र तनया शर्मन्वती वेदिका क्षिप्रा वेद्रवती आसुर नदी ताता पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सरिता कुर्यात् सदा मंगलं शुभमंगल सावधान शुभमंगल सावधान। यहीं पर हमारा तुलसी विवाह सेलिब्रेशन समाप्त होता है। तो अब हम खाना खाएंगे, तो इसलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल सीमा की स्मार्ट दुनिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।